Hello listeners, welcome to the third part of Applications of Integration. In this video, we are going to discuss Simpson's Rule. मैथमेटिक्स की बाकी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या चैनल की प्लेलिस्ट से आप एक्सेस कर सकते हैं। अब जो हमारा सेकंड मेथड है वो है सिम्पसन रूल, जिसे हम सिम्पसन वन थर्ड रूल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे और ट्रेपेजॉइडल में डिफरेंस क्या है, आपने यहाँ ट्रेपेजॉइडल में देखा था कि ये जो आपका ग्राफ था उसे आपने एन इक्वल पार्ट में कट किया है, लेकिन सिम्पसन में हम क्या करेंगे, सिम्पसन रूल में हम उसे 2n पार्ट्स में कट करेंगे, 2n इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे। तो 2n पार्ट में कट करने के बाद जो हमारे ऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनेट मिला था, यहाँ पे हमने 2n पार्ट में कट किया है, तो यहाँ पे भी हमें ऑर्डिनेट्स 2n प्लस 1 ऑर्डिनेट्स मिलेंगे। इसके बाद जो हमारा इंटरवल है वो सेम, यहाँ एच हमारा विड्थ ऑफ द इंटरवल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे था हमारा एच विड्थ ऑफ द इंटरवल, विड्थ मतलब ये जो हमारा डिस्टेंस है ये एच है, तो यहाँ पे भी सेम वही रहेगा। तो जो हमारा सिम्पसन रूल है वो किस तरह हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, हम y dx निकालेंगे तो वो हो जाएगा एच अपॉन थ्री, यहाँ पे y1 प्लस सेम, यहाँ पे हम जब फर्स्ट प्लस लास्ट, तो लास्ट यहाँ पे हमारा 2n पार्ट थे तो ऑर्डिनेट 2n प्लस 1 हो गया, तो ये फर्स्ट ऑर्डिनेट ये लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अब जितने भी ऑड ऑर्डिनेट्स होंगे, ऑड मतलब y3 प्लस y5 प्लस ऐसे जितने भी ऑड आएंगे उनका सम y 2n माइनस 1 प्लस, अब यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ जितने भी इवन है, इवन मतलब y2 प्लस y4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस y 2n तक, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसी को अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो h अपॉन 3 को मैं लिख सकती हूँ फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट, जितने भी ऑड ऑर्डिनेट्स आएंगे उनका सम प्लस 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इवन, अब जितने भी इवन ऑर्डिनेट्स होंगे उनका सम, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। आपको जिस तरह कन्वीनियंट लगे आप उस तरह याद कर सकते हैं, अगर आपको ये इजी लगे तो ये और ये लगे तो ये। अब ये दोनों में से ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से क्वेश्चंस आता ही आता है, तो इसके लिए आपका इंटीग्रेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए प्लस आपको ये फॉर्मूलेस भी याद करने पड़ेंगे, और यहाँ का फॉर श्योर क्वेश्चंस आने के चांस है, तो इसीलिए ये टॉपिक करना बहुत जरूरी है। नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिम्पसन रूल, हमें यहाँ पे 0 से 6 का इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है ऑफ अ फंक्शन 1 + x का होल स्क्वायर वेयर लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 6। तो यहाँ पे हमें ये नहीं बोला है कि हमें कितने इंटरवल्स में, हमें ए की वैल्यू दे दी है, हमें बी की वैल्यू दे दी है, हमें इंटरवल नहीं बोला कि कितने पार्ट में से कट करना है, तो ये मैं इसको देख लेती हूँ, इसको मैं खुद से ही ले लेती हूँ। सिंस यहाँ पे हमारा ये 0 है, ये 6 है, हमें नहीं बताया कितने इंटरवल्स में कट करना है, तो ये मैं खुद से इसको 1 1 के गैप के साथ 1 2 3 4 5 6 ये खुद से मैंने अगर मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में तो आप अपने मनसी से अपने अकॉर्डिंग इसका पार्टीशन कर सकते हैं, तो मैंने 1 1 के गैप के साथ इसका किया है, तो यहाँ ऑर्डिनेट मेरे कितने हो जाएंगे y1 y2 y3 y4, ये हो जाएगा y5 y6 और ये हो गया हमारा y7, ये हमारे ऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ये पार्टीशन मैंने खुद से इक्वल पार्ट में लिया, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो हमारा ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, हमारा फंक्शन की वैल्यू है 1 upon 1 प्लस एक्स की पावर 2। तो अब हम यहां पे भी सेम क्या करेंगे, हम हमारी टेबल बना लेंगे, तो जब हमारी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हम इसमें पुट करके निकालेंगे तो वो हमारी 1 आएगी, जब हमारी x की वैल्यू 2 है नेक्स्ट 1 है, जब हमारी x की वैल्यू 1 है तब ये हमारी वैल्यू आएगी 1
वन अपॉन फोर, उसको हमें पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना है, एंड सिमिलरली हमें सबके लिए निकाल लेना है। तो इस तरह से ये हमारी वैल्यूज आएंगी। थ्री के लिए, फोर के लिए आएगा 0.04, फाइव के लिए आएगा 0.03, और सिक्स के लिए ये हमारा आएगा 0.02। तो ये हमारा वाई वन की वैल्यू, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव, वाई सिक्स और वाई सेवन। सो इंटीग्रेशन यूजिंग सिम्पसन रूल, आपको फॉर्मूला मेंशन करना है कि आपने कौन से यूज किए। यूजिंग सिम्पसन रूल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन थ्री फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस लास्ट कोऑर्डिनेट, लास्ट हमारा सेवन है, प्लस टू टाइम्स ऑफ ऑड। ऑड वाले कौन कौन से हमारे, वाई थ्री, ये वाई वन हम ऑलरेडी यहां लिख चुके हैं इसलिए इसे नहीं लेंगे, वाई थ्री और उसके अलावा वाई फाइव, प्लस फोर टाइम्स ऑफ इवन कोऑर्डिनेट्स। इवन कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, वाई टू प्लस वाई फोर प्लस वाई सिक्स, ये हमारे इवन है। तो हमारा इंटीग्रेशन जीरो टू सिक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। तो एच की वैल्यू हमने वन ली है अपने अकॉर्डिंग, ये हमने खुद से वन वन का गैप लिया है। एच क्या है, ये विड्थ, तो ये हमने वन वन की ली है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री। फर्स्ट वैल्यू है हमारी वन प्लस वाई सेवन की वैल्यू है 0.02, प्लस टू टाइम्स ऑफ वाई थ्री की वैल्यू है 0.11, प्लस 0.04, प्लस फोर टाइम्स ऑफ हम इनकी वैल्यूज भी पुट कर लेंगे 0.25 प्लस 0.062 प्लस 0.03। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 1.02। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आएगा 0.3, प्लस जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.36, इसका मतलब 2.68 अपॉन 3 वो हो जाएगा हमारा 0.893 के अराउंड। तो ये हमारा आंसर हो गया है।